गोर लागे छी हम परशुराम चौधरी थारू भाषा के कार्यक्रम समाज के मार्फत से। आदरणीय दर्शक महानुभाव सब हम यहाँ सबके लग में पूर्व से लाके पश्चिम के थारू सुन के गतिविधि देखाते आबि रहल छी। ओनहिए आइ के कहबै थारू सुन के जाके बैसाख महीना जाके एक महीना मेला लागे छे। वहाँ संदर्भ में कहबे इटहरी नगर पालिका अंतर्गत मधिली गाँव में जाके एकटा दीवारनी माता के मेला लागे छे। ये माता के मंदिर में कहबे एकटा सिमर के गाछ छे आ ओकर तर में जाके ग्राम थान के मंदिर भी छे। तो ये सिमर के गाछ में जाके बहुते आदमी सुन जाके ये में सिनूर और जाके तेल जाके चढ़ाई छे। ओकर साथ साथ में फूल घोड़ा पान सुपारी भी चढ़ाई छे। तो आइ के यहाँ डी बारनी माता के बारे में हमें विशेष जानकारी दे ले जा रहल छी। ई मेला ने यो पहले सर्वप्रथम की 6-7 साल से ई जंगल पहले रह गेल ना। हमरा के बाप दादा पुरखा से हमरा के 2 पुस्ता बीत गेल तो बाप दादा सब ई जंगल छले। तो जंगल में जाकर से सुगर माकर दुनियादारी गाय भैंस हेन तेन अगड़ बगड़ आवे के सलहेश बाबा के ई सब स्थापना करल गे। सलहेश बाबा के फिर जे एकरा पूजे लागले तो सलहेश बाबा कहल के थोड़ा के एकटा गाम थान के स्थापना कर और राजा जी के थोड़ा सब जाकर से स्थापना कर। तो ग्राम थान के हमरे के पुरखे सबसे पहले जुगे नंबर से 7-8 साल से पहले ये सब हमर बाप दादा पुरखा सब पहले कई किस्म से ये पूजा अदा करते हैं। हाँ तो सबके अब देवी देवता के स्मरण करे तब तो बाली नाली भी नहीं खाए। हाँ तब वो सब इटा चीज में बहुत अग्रसर भाई के ध्यान दिए लागले हमरे के पुरखा सब। तकरी बाद हमरे पुरखा भी बीत गए तो हमर बाप सब भी भले तो बाप सब के पला में भी वही इतिहास रहे। छोड़ दिल के पूजा आजा कर ले एक चोटी साफे बिगड़ गए कोई करे पूजा आजा। तकरी बाद जाकर सब खेती खोला वही ढंग से हुए। फिर ये जंगली जानवर से फिर ना सतावे लागले दुखावे लागले। तकरी बाद से फिर हमर बाप दादा सब फिर ये जाकर से ग्राम थान बाबा के फिर स्थापना करल के स्थापना करल के। तो वो पहले हैजा आवे जे अखनी कहे छे लोग सब आप अंग्रेजी भाषा पढ़ल के लिखल तो कहे छे कोरोना वायरस कोरोना वायरस नहीं तो पहले के समय में पहले ये कहे छले जे हमरा सब के हैजा बीमारी सबसे पहले बड़का भारी रहे। गाम गाम के लोग के समाप्त भए जाए एक तो ना डॉक्टर भेटे समय में ना उ धामी वैद्यो नहीं भेटते रहे। ते समय के की कहे छे ये राजा जी के थान के स्थापना करल के फिर उसे हमारे बाप सब जाकर से संचालन करे लागले चलाते 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 अखन तक ये ग्राम थान बाबा के पूजा आजा हमरा सब लगनशील भए के करते आवे छिए। पहिलुका आदमी सुन जाके ये कहे चले कि डी बारनी माता के बहुत शक्तिशाली छले बहुत शक्ति देखाते छले। हमरा के घर में और गाय बरद जाके हरा जाए छले तो ये सिमर के गाछ में जाके पूजा करे छली भाखल करे छली तो जाके उ गाय बरद और जाके घर परिवार जाके असली रहे छले कह के एता का आदमी सुन के जन विश्वास छे। और जाके ये सिमर के गाछ एतटा केनन के भेले की करके भेले के रोपल के यो एकटा एतका आदमी सुन के खोज नीति धार रहल छे। आ सब आदमी के अपन अपन विचार एनंग छे। हाँ ये जे ग्राम देवता जे अखन लागि रहल छे ये पौराणिक पहले से अखन के बात नहीं छे कि ये हमरा से भी आब जन्मोन छले तखने से ये कुल के छे सिमर के गाछ जे छे सिमर के गाछ सुनलिए जे मतलब कुनी बिहा शादी के लागी हमरे के मरवा के साइड में गाड़े छे तो फेंकलकै ने एक गाछ उमर गेलै। हाँ गाछ उमरले तो ओ जाके फेंकले रे ईटा गाड़ि धरे सरले गाछ तो वएह गाछ छै वही टाइम के छी अखन तो विशाल भए गेल छै। और एकर उपलब्धि की छै कि मतलब पहले के जमाना में की कहि रहल छै पहले तऽ अखरिया
अखरिया के टाइम में, अखरिया के टाइम में मतलब पूजा अजा करे, हाँ बाल बच्चा सबके सबको निकले पुसले हुए दो किस्म के छे। हाँ तो अखन तो आब मेला के मतलब मेला के मेला लगावे दस बीस दिन दोसरो गाम के आबे छै, अपन चली बेटी सब आबे छै, अपन घर द्वार में भेंट घाट मुलाकात करे छै, वहाँ लक्ष्मी के रही हमरा के ग्राम ग्राम देवता के पूजा करल जाय छै, जे कि सब पे आबे हाँ मेजबानी करे और भेंट मुलाकात करे, हाथ में हाथ कंधा में कंधा मिला के ईटा मेला ओकरे उपलक्ष में कर रहा है। आब ग्राम देवता ये प्राकृतिक ये पुजारी हमरा के थारू जाति, हाँ ओ वजह से हमरा सबके अखन से नहीं कि मतलब पहले से ही मान रहा है। आब ओत तो हम जाने पहले पूरा पता बहुत कहानी सब छे। अच्छा एक विशेषता कथी छे, एक महत्व कथी छे, मतलब पहले केरे हर महासव तो आब रहते चारि बजे उठ के अपन अथी बरत घर बुक के जाए, हाँ तो एक स्मरण करे के हमरा से देश की हमरा के काम सफल हेबे, कोनो नहि हेबे, भूत 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 हिसाब नहि लागे, वही से एक मतलब अखरिया पूजा करके तब मतलब खेत रोपण रोपनी करे, नहीं तो नहीं करे छे, जब तक ये पूजा नहीं करे छे तब मतलब नहीं करे छे, वही से मतलब जैसे हमारे बाल बच्चा बीवी और जो हर होते खेत रोपिए बाली सब भी निकले पुसले जड़ बुखार नहीं लागे, ये कादो में करे छे वो किस्म के उपलब्धि वह है, मतलब निकले पुसले से खेती पाती हेबे, धन माल बेसी हेबे, सब कोई कल्याण से जिए, इतने से आप उपलब्धि इतने से। धन्यवाद। ईसुका के एरिया के आदमी सुन जाके कोनो भी खेती पाती करे से पहले ई ग्राम थान में जाके पूजा आजा करे छे, कहे छे कि हमरा के आप खेती पाती करे ले लागली, हमरा के बाली नाली असले ही है कह के पूजा पाठ करे छे, ताबे जाके एकरा के बाली नाली शुरुआत करे छे। ओनहिए कह के बैसाख 12 गते जाके सब साल जाके मेला लागे छे, ओहो मेला में जाके अपन दक्ष अनुसार कोई आदमी जाके पेरवा चढ़ाई छे, कोई बोका चढ़ाई छे, ओनहिए जाके मर मेजबान के चाल करे छे और जाके मनोरंजन करके बीते छे, तो फेरो बातचीत करे ले हमें जा रहल छी। ई मेला लागे कारण छे एमे आस्था विश्वास सब पर रहल के कारण से एमे जो चीज मनोकामना करे छे सब के पूरा कर दे छे, और हमर सके जे बाप छले ओकरो से आगा के बापो सब नहीं देखल के, और बाप सके बाप छले हमर सके पुरखा ओहो सब नहीं देखल के, एकर क्या बरस से हेल छे के भी दियो से बरस भए गेल छे ओकर कोई गिनती नहीं छे, कहके एमे एकदम आस्था भरोसा रह, बीच बीच में कोनो बाधा अड़चन होइ छै, एठन आबि के मनोकामना करै छै, मनोकामना करते हुए में भी की कहै छै जे पूरा कर दै छै, पूरा करलाक बाद में ओठना एकदम भरोसा आशा एकदम आत्मविश्वास करके एठन तेल सिनूर लगाई छै, एठना कोनो चीज होइ छै तऽ एठना आदमी रहै छै आनंद पाबै छै, र ई ग्राम बाबा र ई जुन जे गाछी छै दो साथ साथे एके संगे पूजल जाइ छै, हमरा सबके एकदम विश्वास के साथ में सभी के मेला लगा के मनोरंजन र एठना देवी देवता के बुझ के एकदम सब कोई आनंद लै छै, र एकदम सुरक्षा र घर लेके बाहर तक जाइ छै, तब एठना गोर मुर लाइक के जेने से सब कोई के एकदम आत्मिक विश्वास लेके जाइ छै, र एकदम विश्वास पूरा कर दै छै, कहके हमरा सबके इतना विश्वास छै कहके। जुन आदमी के बाल बच्चा नहीं होइ छै, धिया पुता जाके बड़ बिरामी हेते रहै छै, तो ये डी बारनी माता लग जाके पुकार करे छे, हमरा बाल बच्चा हिए अथवा धियापुता असले रहिए, हमरा के धन संपत्ति के जाके सुरक्षा कर दिए कह के कोबला पाती करे छे, तो बहुत आदमी के जाके ओहो पूरा भेल छे, तो ओकर लागे जाके समय समय में जाके एते अपन भाकल भी पूरा करे छे। ओकर साथ में कहबे ई गांव के आदमी सुन जाके इस सिमर के गाछ में जाके शीतल
बिसराइले भी एते आबे छे। बहुत आदमी सुन के सर सला मर मीटिंग जे हेल लागे छे, तो यह सिमर के गाछ में आबे छे, अपन छलफल करे छे, अपन गांव घर के आदमी के केनंग के आगा बढ़ावे पड़ते, अपन समाज के केनंग के अगाड़ी बढ़ावे पड़ते कह के छलफल भी करत रहे छे। तो फेरो बातचीत करे ले हमें जा रहल छी। डिहबार नहीं माने छे ना, तब हमरा के एकरा केनंग मेला आबे छे तो तेल सिनूर हमरा के चढ़ावे पड़े छे, घोड़ा चढ़ावे पड़े छे, कोनो अथी बकरी पठरू हराय छे कोनो चीज हमरा के वास्तविक में आज करे छे ने कबला पाती जब मतलब असल भेट जते बकरी पठरू तब कथ के छे घोड़ा चढ़ा दबो तेल सिनूर चढ़ा दबो तब भेट जाय छे। बाल बच्चा और सुरक्षा रहे छे हमर सबके, कहियो जासा नहि होइ छे, आन अखन तली कुछो नहियो भेल छे ने, नहि होइ छे आ कभी तो आब एकरा शक्ति छै ने, कतेक चोटी काटेल करे छे एकदम, आ फेर बुढ़वा सब कहै छे कथिल काट भी नहि काट, एहिमे देवता सब छै कहिके तब नहि काटै छै। डिहबारनी के तेल सिनूर चढ़ाई छी हमरे के परम्परा चढ़ाएल एकदम सुरक्षा राखय, कोनो चीज एक बकरी तकरी कोनो हरा जाइए गायो हरा जाइए कबला कर ले छी जे हे डिहबारनी माय हम भेट जतौ बकरी तो हम तोरा तेल सिनूर फुलघोरा हम चढ़ा देबो, भेट जाइया बस आबि के चढ़ा दै छी से अथी सिमर के गाछी में तेल सिनूर चढ़ा दै छी लेट अथी डिहबारनी माय हमरा भेट गेले जहनंग हम कबला करलियो तहनंग हमरा भेट गेले हम तोरा चढ़ा दै छियो, बस एकदम सुरक्षा रहैया बाल बच्चा एकदम सब कहियो रहैया सुरक्षा, कोनो चीज होइ छै एकदम पुकारै छी तऽ एकदम असल करि दैया। वास्तव में कहबे ये डिहबारनी माता के जाके बहुते प्रचार प्रसार नहीं भेला के कारण से जाके ऐसुका आदमी जाके आवत जावत जाके कम भ रहल छे। तो हम संपूर्ण दर्शक सुन के देशवासी सुन के अनुरोध करे ले जा रहल छी, ये जाके मधिली गांव में पड़े छे डिहबारनी माता के मेला जाके प्रत्येक साल बैसाख 12 गते लागे छे, आवे वाला साल में जाके ऐसुका आबि दियो, ऐसुका के संरक्षण करू, यहो माता के आस्था राखबे तो यहाँ सबके मन में लागल मनोकामना जाके अवश्य पूरा हेतै। हमर सबके ये थान जे कि एक समय में बुढ़वा सब कहीं कथी कहल के जे रे मतलब खास करके ये जन्म अखने एठाम लदी घुरल छे, हमर लदी घुरल छे बाढ़ि गेल ओहि टाइम में बाढ़ि गेलै, तो खास करके चोरो बोरो हमरा सब बिहाम काटे छे ओकर छी एकर ठाइर लागल छलै, एक लागल बाद में एक बुढ़वा ही समाज के हमरा की कहल के रे छोड़ा सब ई तो लागि जेतौ रे देव देवघरा पछवाड़ में रोपि के, इएह देवघरा पछवाड़ में रोपल चल गेलै, तखन से जागरण हेतै 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 तऽ हमरा सब जे बाप पुरखा सब पूछते आबि रहल छै, जबकि हमरा सबके पुरखे थान रे के रोपने छै मात्रे तरे जानकारी रहै नहि रे ठाइर रोपल छै ठाइर रोपल ओतने मात्रे जानकारी रहै, ओहिसे ज्यादा ककरो जानकारी नहि छलै केन वाला ई गाछी रोपल के कि अथवा ठाइर रोपने छै। तऽ आओर एकर विशेषता कथी छै, कोन देवता के मानल जाइ छै एहिमे हमरा सबके? आब कहल जाइ छै डिहबारनी कहै छलै डिहबारनी माया आओर दगरिन माया वएह छी, हमरा सब वएह दगरिन माया के की कहै छै पूजै छी तेल और सिनूर चढ़ाबै छी। एक समय में एहन भेल छलै ठाम
की सलाह के कुकुर लखा गांव बिगड़ने से बहुत कुछ हो कुकुर लखा नंग नंग हमर घर से नंग नंग भूख के करीब 4 बजे रात के छी भुगते 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 नंग नंग आबि के शांत भेले तकर बिहान के जब आबे छी सबके कहे छी कथिल गांव में एना भेलो सब कोई आबि के साँझ बाती देलिए लेहरा बिनतो करलिए तखनो बन भेल छले की कहे सिमर के बारे में हमरा सबके अखन तक जानकारी नहीं छे बेचे के लागी भी हमरा सब बहुत कोशिश करलिए जब मतलब बेच दो कहीं एकदम गाहकी भी लग गए अठाम के बुढ़वा की कहल गए गाम जे अगर ये गाछी काट ली एको गाम अठाम नहीं रह तो आदमी नहीं रह भी तोरा सब साफे नहीं रह मर के कथिल नहीं रह तो ऐ में बहुत चीज है तो वास्तव में हमरा सब सोचलिए छे ऐ में चीज मानल एक मानते आबि रहल छी जखने भी 10 बजे रात के 12 बजे रात के हम अकेले चले छलिए रास्ता में बहुत कुछ देखलिए अठाम जे सब देवता सबके ग्राम बाबा सबके हमरा सबके ये बड़का सिमर के तर में बैठक हेबे छै 12 बजे रात के कोई अगर आबि जाओ एना चौके अगर सुनते गा एकदम आदमी लखा बोल रहा है वास्तव में मीटिंग है एक जे हम एकदम अपन परिचय से हम सुनने छे अठाम जे सिमर के तर में है कि एकदम नहीं बुढ़वा सब कहे छे नहीं मानलिए तो हम अकेले हिन के हम अषाढ़ महीना के दिन छे पूर्णिमा के दिन छे सुनने छे हम सिमर टोल केना के नाम रहले सिमर टोल मतलब परंपरा हम सब के बाप दादा के बाप दादा पहले से एकदम हम सब के भी नहीं देखले हमर बाप दादा सब ददे बड़वा के पलास से बड़वा के पलास से बाप सब जे एले ना तो बाप सब एले वापस के थान छले एक बेर हम सब सिमर के काटल व्यवस्था कर सकले रही तो ऊ बुढ़वा सब की कहे के हमर सब बाप पितिया से रे हमरा सबके रोपबे नहीं कलिए तोरा से काटल केल तैयार करी छी तो ऐसे में बहुत वातावरण लड़ू छोड़ दिल सबके वही वक्त में माउद ही ठल्ली ठल्ली में लगाबे छले तो मधेली कहे के अर्थ मतलब गाछ के से छले जे मधेली मधेली पहल कर दुई छले अखन गढ़ी एक मधेली भेले तो ग्राम बाबा के थान ई कहियो से थान से हम सबके उतने हम से जानकारी नहीं छी बुढ़ुए से थान से हमारे की थारो तो ओकरे लखन एक और एक परंपरा करके गेल वह सब हम सबके मतलब कर रहल छी थारो सुन के जाके अपने कला संस्कृति छे अपने रीति रिवाज छे अपने पहचान छे वह संदर्भ में कहबे ई डीह बारनी माता के जाके अपने विशेषता छे एकर पूजा आजा दोसरे ढंग से करल जाए छे जे कि कहबे करली सिनूर आ तेल जाके एत चढ़ाई छे बहुत आदमी जाके यीशु का त्रिशूल बना के रखने छे ओकर साथ में जाके बहुत ही आदमी सुन के ई डी बारनी माता जाके असल करने छे ओकर साथ साथ में जाके कुनो कार्य करे ले लागे छे तो डी बारनी माता के पहले सुमेर के ताबे बाहर जाए छे तो आदरणीय दर्शक महान भाव सब अब हम फेरो बातचीत करे ले जा रहल छी जे अखनी ना ये ग्राम बाबा के ग्राम थान में जे मेला लागल छे ई वास्तव में हमरे के बाबा बराजू से कति ग्राम थान के पूजा करते आबि रहल छे तो वास्तव में हमरे के जुन अखनी ना हमरे के इस आगे जे हमरे के पिता पुरखा सब करी करे हमरा जहाँ सुना अपन लागे छे मतलब हमरो की कहे छे जे देखल अनुसार सोचल अनुसार में 2024 साल देखिन कथी ला तो हमर 2024 साल के तो हो जन्मे छे तर फिर भी हमर पिता पुरखा सब जे मतलब कहे छले बोले छले सुनने छलिए जे मतलब इस ग्राम बाबा के जे पूजा करते आबि रहल छे पिता पुरखा सब ओहिने के प्रकार के हमरा के ये 2048 साल देखिन हमरा के 38 साल से ग्राम बाबा के अखने ना एकटा ग्राम बाबा के संचालक समिति के रूप में अथवा मेला समिति के रूप में कार्यभार संभालते आबि रहल छिए और करते रहल छिए और ये ग्राम बाबा के एकटा बिच्छू बासु धामी के जे स्थान छे अग्रसर जे व्यक्ति सब छले ओ पूर्व सब के चलि गेले ओकर अथी हमरा के संभालते आबि रहल छिए आ बहुत हमरा के खुशी लागल छे कि पिता पुरखा सब एहन पौराणिक प्रकार के धार्मिक स्थल के निर्माण क्या के गेल छे ओकर निर्माण हेतु हम सब आइ ओकरे संरक्षण के लागी हम थारू संस्कार के आइ हमरा सब के आगे केनंग हेते के उटा ई कला क्षेत्र में अथवा ई समाज में ई की कहे छे जे एकटा थारू के सांस्कृतिक पौराणिक जे एकटा ई कल्चर छे हिंदू धर्मावली के इन हिंदू धर्मावली के जगरना के लेल आई ग्राम बाबा के
स्थानमे आए हमरा सब ये प्रत्येक साल पहले चाहे पुराना अथि रीति रिवाज अनुकूल में पिता पुरखा सब तो कथि कहे ज्येष्ठ में पूजा करी छले जनकि अखड़िया पूजा कही छले असार में पूजा करी छले उ पूजा उस सबके बुढ़ा पका सब करते करते गेले हमरे के बहुत विघ्न बाधा स्वभाव छले बुढ़वा सबके भन्नाले मतलब बेहरी हेतु बेहरी जनक उठाबै छी हमरे के बेहरी तो संकलन करे के लागी बहुत अप्ठारो महसूस आबै छले त उ बेहरी संकलन करते 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 जाय महीनो दिन लाग जाय संकलन करेला ई पूजा के लेल त उ पूजा के लागी में बेहरी संकलन हेबे तब जाय असार में जाके अथवा ज्येष्ठ में जाके पूजा करे छले अखनी न आब के वर्तमान हमरे के जस्ट ओकर अपोजिट क्या के नया एकटा ओहन ढंग के नया नौलो संरचना के लिए कि हमरे के 12 गते जे कथि कहे छे वैशाख के जोन सिरवा मेला लागे छे ओकर अंतिम में जे राजथान के यानी कि राजा जी के थान में मेला लागे छे राजा जी के अंतिम में 12 गते के हमरे जे सिमल थान के जे थान ग्राम बाबा छे ओकरा हमरे के 12 गते के पूर्ण रूप दे के हमरे के अखने ना ओकरा सेवा करते आबि रहल छी पूजा आजा करते छिए और जे अपने भरखरे यहाँ सबके समक्ष में हमर ये गांव के दीदी बहन सब चेली बेटी सब माता पिता सब सभी कोई ऐसे जी अपने सिमल के बोट में यानी कि सिमल के रूप में अपना वो जिकर कैसे डिहवारनी माता वो बहुत ओकर रूप अथी से अपने ओके शिष्णु तेल चढ़ायल गेले हरेक प्रकार के अथी कल के ये अब ओनंगे प्रकार ये आउदो पीढ़ी सबके लागी हमारे से जहनंगे देखलिए पहले कर अथी के पिता पुरखा सबके ओनंगे प्रकार फिर हमारे देखता आउदो वाला सब करते के हमारा मतलब मन में लागल छे ऐसे बढ़िया और जन प्रगति तरफ जेते कि बहुत वही ढंग के हाँ अथी कथि के ये सब कला नहीं छूटते थारू संस्कार के एकटा सब हाँ तो अभी इन्हें सर धर्म में एक हमारे के जे कला क्षेत्र के हमारे परशुराम जी आ थारू के बहुत एक जोश जांगर के हमरो एक मौका दिल के बोले बहुत खुशी लागले और इस संदर्भ में झांसमन तो अब बोले कि भी ओत खास अब पौराणिक बहुत अथि सब ओत भी हमारा भी नहीं छे तर फिर भी अपन जान के भी हम भी कह चाहिए कि हमारे के थारू के थारू संस्कार के लागी परशुराम जी हमारे के लागी बहुत सही खुश करते कि हमारा अठोट अथी से कर्मस्थ व्यक्ति बन के एक अथी लेने से भोकने से आई वो शायद भरसक एक थारू नाम के चिन्हो रहते के हमारे एक आशावादी छे कहते और परशुराम जी के धन्यवाद देते हमारा अपनी दु शब्द उत राखे छे सभी को के धन्यवाद परशुराम जी यहाँ के कोटि कोटि प्रणाम नमन करी छे ई सिमर ऐसन छे परम्परे से छे बूढ़ा पकार रोपने छे ई सिमर ठहर छे एनाइए लदीम भसिया ले आल रहे बस एनाइए भेले तो ढेर रोपि रोपि दिल के विशाल भए गए एखन एक ठाना ग्राम थान भी भेल छे ठाना डिहवारनी थान भी छे ग्राम थान छे ठाना टिघरनी टिघरनी माई भी छे थान ई सिमर टोल कथिल बोलाएल जाए छे ई बड़का सिमर भए के एखन मधेली में सबसे विशाल सिमर इएह छे ओहिसे ई सिमर के गौर राखल गेले सिमर टोल आ सिमर टोल कथिल राखल गेले पहले पूरा सिमर छले ई मधेली में मोधे मोध भए के बाद में तब मधेली गौर रहल गेले ई मधेली ई कारण से ई सिमर में हमरा के गौर मुर लागे छी भाकल करे छी ओकर पुण्य पूरा कर दे छी बस पिठाना घोड़ा सिनू पिठा चढ़ाबै छै आ जे बड़का भागल करै छै बोका भी चढ़ाबै छै हम कहियो नहि आयल छली फर्स्ट चोटी आयल छी ई मधेली मेला मे तर थाने रे ई सिमर गाछ एते रा छै कि ए सिरे सिर छै पूरे तर ई सिमर गाछ मे खास करके विशेषता कथि छै कहि के एनक शक्ति छै कहि के एते भाकल करै छै आंग सुआंग असल होस चाहे कोनो चीज हराय छै चाहे घर में चाहे बाहर में एते भाकल करै छै तर भेटै छै मनोकामना पूरा होइ छै तै के लागि एते चढ़ाय ले आबै छै सिनूर तेल फुलगोरा चिरखा और चढ़ाय ले आबै छै तर हमरा थाने रहे फर्स्ट चोटी हम आबि के था पाबली कहि के एते मधेली गाम में कहि के सिमर गाछ में देवता देव धर्म छै कहि के हस्त धन्यवाद कहिया से शुरू भेलै
हम 74 वर्ष के बुढ़वा भेलिए, लेकिन हमरो भी मालूम नहीं छे, खास करके ई प्रकृतिक पूजक प्रकृतिक ऐठा मूर्ति नहीं छे, कुछ नहीं छे, प्रकृति के पूजा थोड़ी गहीर, हाँ लक्ष्मी तब नाथ बहुत चीज कठिन शुरू भेले, बाल बच्चा बीमारी हेबे, हमर बाल बच्चा ठीक हेबे, कुशल हेबे, हम थान में ग्राम थान में पूजा करबो, पेड़वा चढ़ेबो, बोका चढ़ेबो, कहके उ शुरुआत भेल छै। लेकिन कहिया शुरुआत भेले कांड से हम भन्न शक्ति न भाई। आदरणीय दर्शक महान भाव सब, अखने हम यहाँ सबके लग में जाके बैसाख भर में कथक मेला लागे छे, की करके लागे छे, ओकर बारे में तो जानकारी दे रहल छी। साथ साथ जाके इटहरी उप महानगर पालिका अंतर्गत मधेली गांव में जाके डी बाड़नी माता के मेला तो देखबे कर ली, यो माता के जाके अपने शक्ति छे। लेकिन ऐसुका कहबे भीतर गांव में पड़े के नाता से जाके बहुत आदमी जाके एते आवेले नहीं सकने छे, यो ग्राम थान के जाके प्रचार प्रसार हेते, लोग सुन जाके कहते, तो हमरा लागे आवे वाला दिन में जाके यहूँ सुका धूमधाम के साथ मेला लाग सके छे। यहूँ सुका जाके दोसर मेला नहीं, यहो मेला जाके लाग सके छे। आदरणीय दर्शक महान भाव सब, हम यहाँ सबके लग में एनाहिए निक निक गतिविधि देखाइल तो मन लागल रहे, लेकिन की करबे, समय ककरो लागे असल नहीं रही छे, लेकिन बचा करै छी दोसर दिना यहाँ बखत यहाँ समय। हम परशुराम चौधरी लगात हमर टीम उपस्थित हेबे करबे, तातली के लागे विदा दियो, गोर लागे छी।